मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी अपने डैड से जो एकदम से मेरे दिमाग में आती है, although मैं बहुत ही प्रिसाइसली आंसर दूंगा, बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं ये अपने पापा से सीखा है। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग वो बॉल लेके एज अ सुवेनियर सचिन रमेश तेंदुलकर के पास गया और उसने तेंदुलकर को बोला, सर आप इस पर ऑटोग्राफ दीजिए, मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा दिन है आज कि आज मैंने आपको बोल्ड किया। बड़ी खुशी खुशी में वो बॉल लेके गया एक ऑनर के साथ और तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये दिन तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। वनडे में, T20 में, इवन IPL में ब्रेड हॉग तेंदुलकर की विकेट नहीं ले सका सर। कि कुछ इस तरह अपने संस्कारों की दुआ ली मैंने, कुछ इस तरह अपने संस्कारों की दुआ ली मैंने, जब भी मेरी माँ ने आवाज ऊंची की नजरें झुका ली। सुनो यार, अगर प्यार करना है ना तो दिल से करो, अपनी मूड और जरूरतों से नहीं। जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें? आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है। मुझे तुम पर इतना गुमान था कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं लगा। मुझे तुम पर इतना गुमान था कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं लगा, और ए मेरे हमसफर तुम्हारे बाद मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। कभी सोचते क्यों नहीं हो कि मजे से होगा क्या? अभी आपका क्या टाइम है? अभी आपका जो टाइम है, अभी जो आपकी एज है, वो है अपना करियर बनाने की, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो अपनी पूरी लाइफ के लिए। सोचो अभी आपने यही सब करने में निकाल दी अपनी लाइफ, अपने आपको बोलना है शीशे में खड़े होकर के, अपनी शक्ल देखो और बोलो जिंदगी भर मुझे क्या हाथ हिलाते रहना है या कुछ काम भी करना है? Why not? इंसान को ना हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि टक्कर अक्सर पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी अपने डैड से जो एकदम से मेरे दिमाग में आती है, although मैं बहुत ही प्रिसाइसली आंसर दूंगा, बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं ये अपने पापा से सीखा है।